So guys, welcome back to the channel Roaming Beast. All the roamers, welcome back. अब lockdown almost खत्म हो चुका है. सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं. नहीं आ रहे हैं. ट्रैवल कंटेंट है नहीं मेरे पास. क्या ब्लॉग करूँ. यही सोच रहा था कि कुछ तो बनाते हैं एटलीस्ट लगे कि हाँ सूरज भी है इस दुनिया में. वो ट्रैवल कंटेंट नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, जा नहीं पा रहा कहीं, तो कुछ तो बना सकता है. नॉर्मल ब्लॉग बना रहा हूँ आज. एंड मम्मी का बर्थडे भी है तो अभी थोड़ी देर बाद केक बनाना है उनके लिए. तो उसका सीन ये है कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक हफ्ते पहले ही ला के रख दिया था ताकि वो सैनिटाइज एंड प्रॉपर क्लीन हो जाए. मैं अगर बाहर से केक लेके आता तो शी वोंट प्रेफर दैट, शी वोंट ईट दैट. तो आई थॉट कि इंग्रेडिएंट्स ला के रख देते हैं घर पर एंड उसके बाद केक घर पर बनाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने हाथों से बना के उनको उनके बर्थडे पे एज अ गिफ्ट उनको खिलाना, दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल एंड अच्छा लगेगा. मैं भी एक ना बॉन्ड और ज़्यादा क्रिएट हुआ. तो लॉकडाउन में सब लोगों ने अपनी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बना लिया है. जो लोग घर से दूर रह रहे हैं अभी भी कहीं फंसे हुए हैं या फिर घर जा नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह फील कर रहे हो आप सब लोग. तो बुरा मत फील करना. अभी सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ी नेगेटिविटी पूरे दुनिया में फैली हुई है. इंडिया भी कुछ कंट्रीज़ के साथ फाइट कर रहा है. चाइना ने अटैक किया, कुछ आर्मीज हमारे शहीद हुए हैं उन अटैक्स में. बहुत बुरा फील होता है. उनकी भी लाइफ है, उनकी वजह से हम चांसेस हो पा रहे हैं. जो भी हो रहा है गलत हो रहा है. एक नेगेटिव वाली फीलिंग भी आ रही है. कुछ और न्यूज़ भी है इसके साथ साथ. सुशांत का ऐसे वो चले जाना, कोरोना वायरस ने तो ऑलरेडी इतना इम्पैक्ट कर चुका है कि हम कैसे मतलब आगे सर्वाइव करेंगे वो भी हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है. तो आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे. ये टाइम है हमारा प्रिपरेशन करने का. जैसी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो उसके बाद हमें किस तरीके से काम करना है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर हमें अपने फ्यूचर को और सही बनाने के लिए और अच्छे से कैसे काम करना है, तो वो सब करने के लिए हमारे पास ये अच्छा टाइम है. हम सोच सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आइडियाज़. तो वो हमें करना है ताकि जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो हम एक बाउंस बैक ले सकें, ताकि हमें उस टाइम सोचने पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, एक्शन पे काम करना है. तो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. अपनी स्ट्रेंथ लिखो, 4-5 वीकनेस लिखो. अगर वीकनेस पे काम कर सकते हो कि मैं इसको ओवरकम करूं, कैसे मैं इस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूं, उन वीकनेस पे काम करो. या फिर वो नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करो ताकि आप डाइवर्ट हो सको. वो स्किल डेवलप करो कि आपको कहीं ना कहीं आगे जाके वो काम आए. इस टाइम हमें अपने फ्रेंड्स लोगों को जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है उनको सपोर्ट करना है. जो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं सोशल में या फिर कोई भी वो काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू सपोर्ट ईच वन अस. यही सारी सिचुएशन है. पॉजिटिव रहना है. देखो कोई भी चीज़ होती है परमानेंट है नहीं. इन सब चीज़ों से हम बाहर बहुत जल्दी आ जाएंगे. बट द थिंग इज कि नेगेटिव फील नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए. सब कुछ होगा. बस 6-7 महीने बाद जो सिचुएशन या साल भर बाद जब ये चीज़ें नॉर्मल होंगी या 1-2 महीने बाद भी हो सकती है, कोई पता नहीं. अभी किसी चीज़ को हम एज्यूम नहीं कर सकते, बट जल्दी से जल्दी हो जाए. शाम को मम्मी का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करने के लिए केक बना रहे हैं. सारा कुछ है नहीं कि डेकोरेशन एंड ऑल, तो ऐसा कुछ हम लाए नहीं. केक इंग्रेडिएंट्स पहले से तैयार है तो केक बनाने के लिए तैयारी करते हैं बस. ठीक है, लेट्स गो. मशीन ओ यार बिना चैन करे. जब हम ग्राइंड कर रहे थे इसको तो इसमें थोड़ा क्रीम की वजह से वो थोड़ा ग्राइंड अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्रीम को बाकी के बिस्किट में से क्रीम निकाल दिया है. तो उसके बाद हम ग्राइंड कर रहे हैं. आई वांट टू ग्राइंड इट अगेन. ये बबल्स हर जगह से करते हुए करते हुए हमें साइड में भी रखना चाहिए.
बैटर रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। मीनवाइल जब तक हम ये सब काम कर रहे थे तब तक ये कढ़ाई हो रही थी गरम। ये कढ़ाई पे बस इस तरीके से सर रखते हैं, कोई बात ऊपर ऊपर से हो जाएगा, ऐसे करता बन जाएगा। उसके बाद विल चेक इट आउट। I'm so excited! The time to check कि whether it is dry or not from inside. तो आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हो, और ऐसे हमारे पास है नहीं तो मैं ऐसे फॉक्स से चेक कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये सूख गया। अभी ये हम डाल रहे हैं डेरी मिल्क, इसको हम मेल्ट करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। मेरा मन तो नहीं कर रहा इसको केक के ऊपर डालूं, खुद ही अपने पेट में डाल दूं। क्रीम वाला दूध में अब इसको करना है मेल्ट। इसको बस आसमान के क्यों? One, two, three, surprise! हमारा थोड़ा सा केक ना यहाँ से टूट गया था, हमने इसको फिर से जोड़ दिया। अभी फेविकॉल भी लगाएंगे इसमें हम। अब इस केक को ना डेकोरेट करने का टाइम आ गया, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना बिल्कुल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you. That's the end of the vlog and मम्मी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद आगे के व्लॉग्स आते रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा मम्मी, क्या करना होगा? अरे मम्मी मच्छर ने काट दिया। बताओ क्या करना होगा, क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। ओके दैट्स इट, bye. Till then, do what you love, love what you do. Bye 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 bye.